Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Today, here I am started a new book series, that is A Competitive Book of Agriculture by Nimra Sunda. And from this book, here we are going to discuss very important topic related to animal science, and this is the lecture 1 from animal science. So if you are joining first time to this channel, then please subscribe this channel and like and share the video too. So let's proceed. So here, first of all, we have to discuss some important factual based questions or factual based things. So first point hai yahan pe, cattle disease that is transmitted to man is. So kaun si cattle disease hai jo man ko transmit ho jati hai, means human beings ko bhi transmit ho jati hai, that is anthrax. So answer is the anthrax. Ab yahan pe jo aapko yaad rakhna hai, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ यहाँ पे कैटल की डिसीज़ की बात हो रही है जो कि ह्यूमंस को ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसमिट हो जाती है, दैट इज़ कंटेंजीनियस टू मैन. तो यहाँ पे एंथ्रेक्स डिसीज़ जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, ये आपको याद होना चाहिए. एंथ्रेक्स डिसीज़ इज़ मेनली कॉज बाय बैक्टीरिया, दैट इज़ बैसिलस एंथ्रेक्सिस. ये इंपॉर्टेंट है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है. और क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो डिसीजेज होती हैं बैक्टीरिया की, वो जो कॉज करते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, बट द स्पेशल थिंग अबाउट दिस बैक्टीरिया इज़ ये बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है. तो दैट इज़ वाई इसके बारे में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल फीचर्स आपको पता होना चाहिए. दैट इज़ ये एंथ्रेक्स डिसीज़ जो है बैसिलस एंथ्रेक्स कॉज करता है, एंड दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट फीचर्स रिलेटेड टू दिस बैक्टीरिया. अब ये जो एंथ्रेक्स डिसीज़ है, यहाँ पे मेंशन है कि कैटल की डिसीज़ है, बट इसके अलावा जो शीप होती हैं हमारी, ठीक है, जो शीप होती हैं, भेड़े होती हैं, उनमें भी ये डिसीज़ होती है. एंथ्रेक्स जो है इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है कैटल, अपार्ट फ्रॉम कैटल इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिसीज़ फॉर शीप. तो शीप और कैटल दोनों की इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जो कि एंथ्रेक्स है. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है एंथ्रेक्स का, बैसिलस एंथ्रेक्सिस जो है बैक्टीरिया कॉज करता है. सेकेंड पॉइंट, काउज मिल्क इज़ लाइट येल्लो और क्रीमी इन कलर, इट इज़ ड्यू टू वॉट. तो काउ का जो मिल्क है वो लाइट येल्लो कलर का दिखाई देता है, पीलापन दिखाई देता है, वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू कैरोटीन. ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, आपको याद रखना है कि गाय का जो दूध है उसका रंग पीला होता है, दैट इज़ ड्यू टू कैरोटीन. बट अब हर कोई जो मिल्क है वो येल्लो नहीं होता, कुछ मिल्क जो होते हैं वाइट इन कलर भी होते हैं. वाइट कलर कहाँ से आता है, वाइट कलर इज़ ड्यू टू केसिन, एंड केसिन क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है, मिल्क का जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है दैट इज़ केसिन. तो यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज पॉइंट्स कि येल्लो कलर किसकी वजह से है एंड वाइट कलर किसकी वजह से. येल्लो कलर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू कैरोटीन एंड वाइट कलर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू केसिन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कार्बोहाइड्रेट और शुगर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिल्क. मिल्क में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो शुगर है वो कौन सी होती है, दैट इज़ लैक्टोज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो मिल्क शुगर, इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं बिकॉज दिस शुगर इज़ मेनली प्रेजेंट इन मिल्क. ठीक है, इसको हम, ये जो शुगर है कहीं और नहीं पाई जाती है, मिल्क में ही पाई जाती है, दैट इज़ वाई लैक्टोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर. और ये मिल्क में जो पाई जाती है किस फॉर्म में पाई जाती है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. तो बेसिकली जो लैक्टोज होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में मिल्क में प्रेजेंट होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि मिल्क में तो मेन शुगर है लैक्टोज, वो बट वो किस फॉर्म में पाई जाती है, तो उसका जो मेन फॉर्म है दैट इज सॉल्यूशन फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन एलिमेंट. तो मिल्क में कौन सा एलिमेंट है जो डेफिशिएंट है, एलिमेंट की यहाँ बात हो रही, तो एलिमेंट में आपको याद रखना है आयरन. बट अपार्ट फ्रॉम दिस विटामिन्स की अगर बात करी जाए तो विटामिन सी भी इसमें डेफिशिएंट होता है, यानी कम होता है. तो आप याद रखना, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, एलिमेंट पूछेगा तो आयरन है और विटामिन पूछेगा तो विटामिन सी है, और दोनों कंबाइन याद रखना है कि आपको कि मिल्क में आयरन और विटामिन सी जो है उसका कंटेंट कम होता है, दे आर डेफिशिएंट. मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन बोथ आयरन एंड विटामिन सी. नेक्स्ट पॉइंट, मिल्क प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम इन विच स्टेट, दैट इज़ यूपी, उत्तर प्रदेश में मिल्क का प्रोडक्शन हाईएस्ट है. सेकेंड, नेक्स्ट, द स्टेट विच इज़ सेकेंड इन मिल्क एंड फर्स्ट इन वूल प्रोडक्शन. तो कौन सा स्टेट है जो मिल्क प्रोडक्शन में सेकेंड है, फर्स्ट तो मिल्क प्रोडक्शन में यूपी है, और सेकेंड कौन सा है वो बताना, दैट इज़ राजस्थान. इसके अलावा राजस्थान जो है फर्स्ट है इन वूल प्रोडक्शन, जो वूल प्रोडक्शन है
उसमें राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। वुल प्रोडक्शन में देखा जाए तो वुल प्रोडक्शन के हिसाब से राजस्थान फर्स्ट है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में राजस्थान सेकेंड नंबर पर आता है। नेक्स्ट, फैट ग्लोब्यूल्स इन द मिल्क आर इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे आंसर है इमल्शन, यानी मिल्क में जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो इमल्शन में प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था लैक्टोज किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो लैक्टोज जो होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इमल्शन फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है मिल्क में, प्रोटीन पाया जाता है कोलाइडल फॉर्म में। अभी हमने पीछे डिस्कस करा था मिल्क में जो व्हाइट कलर आता है वो केसिन की वजह से आता है, एंड केसिन इज़ नथिंग, इट इज़ अ प्रोटीन, वो एक तरह का प्रोटीन ही होता है, और मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टोज एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमने लैक्टोज का पीछे डिस्कस करा था, लैक्टोज दैट इज़ मिल्क शुगर, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको लैक्टोज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है लैक्टोज का, कि लैक्टोज किन दो यूनिट्स का बना होता है, तो लैक्टोज में बहुत पूछा जाता है कि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है, ग्लूकोज की वन यूनिट और गैलेक्टोज का वन यूनिट, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होकर लैक्टोज फॉर्म करते हैं, एंड लैक्टोज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स आपको लैक्टोज के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद लैक्टोज और मिनरल्स, ये दोनों हमारे जो मिल्क होता है उसमें मिल्क में सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फैट जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो इमल्शन फॉर्म में प्रेजेंट हैं, प्रोटीन जो होता है वो कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लैक्टोज मिनरल्स जो हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एग्जाम। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कारपेट वुल, कारपेट वुल में इंडिया फर्स्ट है, ओके। नेक्स्ट, बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग, ठीक है। साइलेज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनिमल्स के लिए, जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए साइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह का फीड होता है, तो इम्पॉर्टेंट ये जो साइलेज होता है ये हम प्रिपेयर करते हैं क्रॉप से, और जो बहुत एकदम बेस्ट क्रॉप माना जाता है साइलेज के लिए दैट इज़ मेज़, यानी मक्का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है साइलेज के लिए। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना, तो आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्लोन ऑफ अडल्ट शीप एनिमल, तो सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था, क्लोन यू नो जो क्लोन होते हैं उसमें जो फीमेल होती है, फीमेल अडल्ट फीमेल उसी का यूज़ करके क्लोन डेवलप कर जाता है, यहाँ पर किसी मेल की अडल्ट मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो दैट इज़ क्लोन। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्लोन बनाया गया था वो शीप का बनाया गया था, उस कौन क्लोन का नाम है डॉली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट एनिमल क्लोन जो है किससे बनाया जाता है, तो ऑप्शन में अगर आपको शीप मिलेगा तो शीप वेल एंड गुड आंसर, और उसके बाद अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया गया कि शीप का भी कौन सा नाम क्या पड़ा था उसका, दैट इज़ डॉली। नेक्स्ट पॉइंट, डिसबर्डिंग इन काफ ऑफ न्यू बॉर्न इज डन एट एज ऑफ, तो डिसबर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। डिसबर्डिंग में क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न काफ होता है, ओके, काफ यू नो व्हाट इज़ काफ, द न्यू बॉर्न और यंग वन ऑफ काफ काव, ठीक है, जो गाय होते हैं, ठीक है, काव का जो न्यू बॉर्न होता है उसको बोलते हैं काफ, और काफ में जब हम डिसबर्डिंग करते हैं यानी उसके जो हॉर्न्स होते हैं उसको जो हम रिमूव करते हैं वो हम कब करते हैं, दैट इज़ 4 to 10 days। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ गैसेज इन रूमेन ऑफ द एनिमल इज, दैट इज़ ब्लोट, तो जो गैसेस कलेक्शन हो जाती है रूमेन्स में, जो एनिमल होता है उसका जो स्टमक होता है उसके स्टमक का एक पार्ट है रूमेन। एनिमल्स में जो स्पेशली कैटल हैं, कैटल के कैटल में डिफरेंट जो स्टमक है उसका एक पार्ट है रूमेन, बेसिकली यहीं पर जो गैसेस कलेक्शन होता है एनिमल्स के अंदर जिसकी वजह से स्वेलिंग होने लगती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लोट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रम ऑफ काव इज 12.8% एंड इन बिफेलो कोलेस्ट्रम इज 21.4%। नाउ यू आई होप सो यू नो व्हाट इज कोलेस्ट्रम, जो इनिशियल मिल्क सिक्रीशन होता है दैट इज कोलेस्ट्रम, तो जो अडल्ट फीमेल होती है उसका जो इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है दैट इज कोलेस्ट्रम, विच इज़ डार्क येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई
कैरोटीन कंटेंट, अभी हमने पढ़ा था कि मिल्क का येलो कलर जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, और कोलोस्ट्रम जो इनिशियल डेज का मिल्क होता है वो भी ब्राइट येलो होता है. दिस इज द येलो कलर इज ड्यू टू ये जो येलो कलर की पिगमेंट कैरोटीन की वजह से आती है. अब यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन कंटेंट कितना है, तो कोलेस्ट्रम जो होता है, अगर हम बात करें काओ के केस में, तो काओ के केस में जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें प्रोटीन होता है 12.8%. बफेलो का जो कोलेस्ट्रम होता है उसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है 21.4%. तो इन जनरल हम देखते हैं कि जो काओ मिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, पानी उसमें ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और प्रोटीन कंटेंट उसमें कम होता है. स्पेशली कोलेस्ट्रम का 12.8% होता है, बफेलो का कोलेस्ट्रम 21.4% होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ जनरली रुमिनेंट ऑफ फोर चैम्बर स्टमक, यानी जो रुमिनेंट होते हैं, रुमिनेंट वाले एनिमल्स होते हैं, उनका जो स्टमक होता है वो फोर चैम्बर का होता है. एग्जाम्पल्स आते हैं यहाँ पे कैटल, शीप, गोट, सीर. तो ये सारे एनिमल्स का जो स्टमक है फोर चैम्बर का होता है, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे कैमल. जो कैमल होता है उसका जो होता है वो थ्री चैम्बर रूमेन होती है, तो उसमें तीन चैम्बर्स होते हैं, और बाकी जो हमारे लाइफ स्टॉक्स हैं, कैटल हो गई, शीप, गोट, इन सब में जो होता है फोर चैम्बर होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, मिल्क इज़ रिच सोर्स ऑफ, मिल्क किस में रिच होता है, इट इज़ रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ वाइटामिन ए. अभी हमने पिगमेंट देखी थी ना, जो कैरोटीन पिगमेंट होती है उस पिगमेंट की वजह से जो वाइटामिन ए है उसका फॉर्मेशन हो जाता है मिल्क में. दैट इज़ वाई मिल्क कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ वाइटामिन ए, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमने एक पॉइंट याद रखना है कि मिल्क इसमें डेफिशिएंट होता है. अगर डेफिशिएंट पूछेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि मिल्क आयरन में डेफिशिएंट होता है. इसके अलावा मिल्क जो होता है वाइटामिन सी में भी डेफिशिएंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज़ फर्स्ट इन वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन एंड टोटल कैटल प्रोडक्शन. इंडिया जो है मिल्क में और टोटल कैटल के प्रोडक्शन में फर्स्ट है, यू ऑल नो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज बफेलो काफ इज दैट इज प्रथम. अब इससे पीछे हमने पढ़ा था कि जो डॉली है दैट इज शीप, वो है, डॉली के बारे में पढ़ा था, और ये जो प्रथम है इसके बारे में भी हमको याद रखना है कि जो फर्स्ट होते हैं ना, फर्स्ट क्लोन और ये फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड जो है वो पता होना चाहिए. तो शीप के केस में डॉली याद रखनी है, और बफेलो के केस में प्रथम बफेलो है जो कि फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड है. नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज क्रायो प्रोटेक्टेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ सीमेन इज दैट इज ग्लिसरॉल. तो क्रायो प्रोटेक्टेंट जो होते हैं, व्हाट आर क्रायो प्रोटेक्टेंट, क्रायो प्रोटेक्टेंट एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर में चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं. और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रायो प्रिजर्वेंट प्रोटेक्टेंट होता है सीमन के लिए, दैट इज़ ग्लिसरॉल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट इज कोलेजन इज द मेन प्रोटीन ऑफ द स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू. तो कोलेजन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं हमारी स्किन के. नेक्स्ट पॉइंट, कैनिबलिज्म इज सीन इन पोल्ट्री ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, जो पोल्ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो पोल्ट्री होते हैं, कॉक हैन ये सब लोग, इनमें जो कैनिबलिज्म की प्रॉब्लम आती है ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से आती है, दिस इज ड्यू टू सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो होता है नमक, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से इनमें कैनिबलिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, क्रैक्ड फीट इन पोल्ट्री इज ड्यू टू. तो पहला पॉइंट था कैनिबलिज्म किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, दैट इज सोडियम क्लोराइड. इसके बाद जो क्रैक्ड फीट की प्रॉब्लम आ रही है ये आती है बायोटिन की डेफिशिएंसी वजह से. नेक्स्ट पॉइंट, डेग्नला एंड अल्काली डिसीज आर कॉज्ड बाय ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट इज सिलीनियम. तो सेलेनियम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है सेलेनियम, जिसकी टॉक्सिसिटी लेवल अगर जिसकी टॉक्सिसिटी का लेवल क्रिएट हो जाता है अगर एनिमल्स में, तो ये दो इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं डेग्नला एंड अल्काली, ये एनिमल्स में हो जाती है, दैट इज़ ड्यू टू सेलेनियम. तो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रंट हैं उनकी डिफिशियंसी से क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए. सोडियम क्लोराइड की वजह से कैनिबलिज्म हो सकता है, बायोटिन की वजह से
पोल्ट्री के फीड्स में क्रैकिंग आ सकती है और सिलीनियम की टॉक्सिसिटी की वजह से डेगनेला और एल्कली डिसीज हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, दैट इज़ क्रेजी चिक डिसीज़ इन पोल्ट्री। तो पोल्ट्री जो है क्रेजी चिक डिसीज़ विटामिन ई की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज एक्सीलेंट फॉर ब्रॉयलर पर्पज़। तो ब्रॉयलर पर्पज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है दैट इज प्लेमॉथ रॉक। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेग्नेंट काउ डज नॉट केम इन टू हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर स्लूटियम। तो जो प्रेग्नेंट काउ होती है वो हीट में नहीं आ पाती वो क्योंकि कॉपर स्लूटियम की वजह से नहीं आ पाती। कॉपर स्लूटियम क्या होता है, ओवरी के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉपर स्लूटियम एंड कॉपर स्लूटियम प्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल प्रोटीन फैक्टर इज नोन एज, एनिमल प्रोटीन फैक्टर इज नोन एज कोबालामिन। तो कोबालामिन जो होता है इंपॉर्टेंट एनिमल का जो प्रोटीन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं कोबालामिन। नेक्स्ट पॉइंट, फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क इज, तो डबल टोन्ड मिल्क में कितना फैट होता है दैट इज 1.5%। नेक्स्ट पॉइंट, हे कैन बी स्टोर्ड इफ द मॉइस्चर परसेंट इज बिलो 16%। तो हे और साइलेज क्या होता है आपको पता होना चाहिए इनका डिफरेंस क्या है। ओके, तो हे को हम स्टोर कर सकते हैं अगर उसका मॉइस्चर परसेंट 16% से बिलो होगा, यानी 16% से कम मॉइस्चर में हम हे को प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ सॉलिड नॉट फैट SNF इन काउ मिल्क इज, जो लीगल स्टैंडर्ड होते हैं SNF का काउ मिल्क में दैट इज 8.5%। नेक्स्ट, लेट डाउन ऑफ मिल्क इन काउज ड्यू टू, आंसर इज सिक्रीशन ऑफ एक्टियोटॉक्सिन। सॉरी, यू कैन करेक्ट हियर, दिस इज ऑक्सीटोसिन। ओके, यहाँ होता है ऑक्सीटोसिन क्योंकि ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है तभी मिल्क का लेट डाउन पॉसिबल होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ओके, यू कैन करेक्ट दिस, दिस इज ऑक्सीटोसिन। जो लेट डाउन ऑफ मिल्क होता है काउ में दैट इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट पॉइंट, मिल्क लिपिड जो होता है दैट इज लेसिथिन। मिल्क में जो लिपिड कंटेंट होता है फैट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं लेसिथिन। नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक कास्ट्रेशन इज डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो जो कास्ट्रेशन करते हैं उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बुडिजो कास्ट्रेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ओनली एसेंशियल फैटी एसिड फाउंड इन पोल्ट्री दैट इज लिनोलिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस में कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस में लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड भी ये सब आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि दोनों एल से स्टार्ट हो रहे हैं। बट आपको याद रखना है पोल्ट्री में जो इसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है दैट इज लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स क्वेश्चन पॉइंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पॉइंट हैं कि जो डाइसेक्राइड्स होते हैं उनकी मोनोमर यूनिट्स क्या हैं, दैट इज़ माल्टोज है। माल्टोज जो है किस यूनिट से बना होता है, टू यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। वैसे सुक्रोज किसका बना होता है, सुक्रोज बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है, ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। रिमेंबर, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज एंड द लास्ट वन इज ग्लूकोज गैलेक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज गैलेक्टोज जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज। तो लैक्टोज जो होती है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट से कंबाइन होकर फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन आर, कौन कौन से वाइटामिन हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, दैट इज थायमीन एंड बायोटिन। अभी पीछे हमने बायोटिन को पढ़ा था, बायोटिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है पोल्ट्री में क्रैक्ड फीड की प्रॉब्लम आती है, और थायमिन और बायोटिन जो है सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जैसे सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन होते हैं दो थायमिन बायोटिन, वैसे ही सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं तीन, दैट इज सिस्टीन सिस्टाइन एंड मिथियोनिन। नेक्स्ट पॉइंट, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फैटल सेप्टिसीमिया इन यंग काव्स इज टू मेक श्योर दैट दे गेट, आंसर इज कोलेस्ट्रम। ओके, तो जो कोई भी फैटल सेप्टिसीमिया यंग काफ्स में होने की अगर संभावना होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोलेस्ट्रम जो है बेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द बिगेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टमक इज दैट इज रूमन।
you can correct the spelling, that is Roman, Ruman, Ruman, okay. तो जो बिगेस्ट कंपार्टमेंट होता है रूमिनेंट स्टमक में, जो कैटल्स होते हैं उनका जो बिगेस्ट कंपार्टमेंट होता है, चेंबर होता है, दैट इज कॉल्ड रूमेन. नेक्स्ट पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क. मिल्क का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, दैट इज 100.1.7 डिग्री सेल्सियस. जो 100 होता है वो होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो होता है वाटर में बॉइलिंग पॉइंट. अगर वाटर का याद रखना है तो वाटर में आपको याद रखना है 100, और मिल्क का जो होता है दैट इज़ थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है 0.17, दैट इज़ 100.17. नेक्स्ट पॉइंट, द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन एनिमल सेल इज दैट इज़ ग्लाइकोजन. एनिमल सेल्स में जो होता है वो दैट इज़ ग्लाइकोजन, और प्लांट सेल्स का अगर पूछा जाए तो प्लांट सेल्स में होता है स्टार्च. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, केसिन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क. तो मिल्क में जो टोटल प्रोटीन होता है वो केसिन ही होता है, और केसिन जो होता है वो 80% जो होता है टोटल मिल्क प्रोटीन का, 80% केसिन ही होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज फैट. मिल्क में जो फैट है बहुत ज़्यादा वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डीहॉर्निंग इज अकम्प्लिश्ड बाय अप्लाइंग दैट इज कास्टिक पोटेश. तो जब भी हम डीहॉर्निंग प्रोसेस करते हैं, डीहॉर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम अप्लाई करते हैं दैट इज कास्टिक पोटेश. द नेक्स्ट पॉइंट इज, द पोल्ट्री स्पेशली रेस्ड फॉर मीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्रॉयलर. ठीक है, तो ब्रॉयलर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. तो रिमेंबर दिस, जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए. और ब्रॉयलर की जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था, जो ब्रीड होती है दैट इज प्लीमोथ रॉक. नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोटीन विच कांट बी डाइजेस्टेड. तो कौन से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, आंसर इज इलास्टिन. नेक्स्ट है, विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सलेट पॉइजनिंग. ऑक्सलेट पॉइजनिंग के लिए जो यूज करते हैं दैट इज CaCO3. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेशली ड्रॉन मिल्क हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ. फ्रेशली ड्रॉन मिल्क का जो pH होता है वो कैसा होता है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है. दैट इज़ द pH रेंज इज स्लाइटली एसिडिक, यानी 6.5 to 6.7. नेक्स्ट पॉइंट, द डिसीज इन विच एनिमल अबॉर्ट और गिव बर्थ टू अ डेड और वीक काफ इज नोन एज ब्रुसेलोसिस. ठीक है, तो ब्रुसेलोसिस क्या होता है, जब कोई कैटल अपने यंग वंस को प्रॉपरली बर्थ नहीं दे पाती है, या उसका जो यंग वन होता है वो वीक या डेड पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रुसेलोसिस. नेक्स्ट पॉइंट, द डिफिशियंसी ऑफ मैगनीज इन पोल्ट्री कॉजेज वॉट. तो मैगनीज की डिफिशियंसी की वजह से होती है पिरोसिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी पीछे हमने बहुत सारी डिफिशियंसी डिस्कस करी थी, लाइक पोल्ट्री में अगर कैनिबलिज्म होता है दिस इज़ ड्यू टू सोडियम क्लोराइड डिफिशियंसी, और क्रैक्ड फीट होती हैं बायोटिन डिफिशियंसी की वजह से, और क्रेजी चिक डिसीज़ होती है विटामिन ई की वजह से. इसी तरह जो मैगनीज है उसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है पिरोसिस. नेक्स्ट पॉइंट इज, पैरा कैराटोसिस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ जिंक. तो पैरा कैराटोसिस होती है जिंक की डिफिशियंसी की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड, तो फैट के ऑक्सीडेशन को भी बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन विच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड हीट कोगलेबल दैट इज एल्बुमिन. जो एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन, वो होता है, यही होता है एल्बुमिन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, एंड हीट कोगलेबल यानी हीट की वजह से, वो हीट की वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो द आंसर इज एल्बुमिन. नेक्स्ट पॉइंट, पास्चराइजेशन क्या होता है. पास्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, जो कि हम मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं. सो व्हाट इज पास्चराइजेशन, इट इज़ डन टू किल द पैथोजेनिक and most of the non-pathogenic bacteria in the milk. मिल्क को हम अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हम उसमें से सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हीट करेंगे, ताकि उसके अंदर जितने भी पैथोजेनिक और ऑलमोस्ट नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो हैं वो किल हो जाते हैं. और स्पेशली हमारा टारगेट रहता है इसमें क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नाम का जो इम्पोर्टेंट पैथोजन है उसको किल करने का. तो अगर हमारा ये बैक्टीरिया किल हो जाता है, पैथोजन किल हो जाता है, उसका मतलब हमारा जो मिल्क है वो पूरी तरह से पास्चराइज हो चुका है.
अब पास्चराइजिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सो दे आर टोटल थ्री मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन. वन बाय वन वी डिस्कस. द फर्स्ट वन इज लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, LTLT. मतलब अगर हम लो टेम्परेचर में लंबे समय तक किसी को हीट करेंगे तो ये मेथड कहलाएगा लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम. इन दिस मेथड वी एक्सपोज द मिल्क एट 61 to 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स. इसमें जो आपको याद रखना है टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन याद रखना है, कितने टाइम है और कितना टेम्परेचर है. तो लो टेम्परेचर में टेम्परेचर यहाँ पे कम है, 61 से 63 है, और टाइम बहुत लंबा है यानी पूरा आधा घंटा 30 मिनट्स. नेक्स्ट मेथड है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, दैट इज HTST. यानी इसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, 71.76.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, दैट इज 50 सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT. अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा और टाइम जो है बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा. नेग्लिजिबल का मतलब कम सेकेंड्स के लिए, लाइक 148 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 1 to 5 सेकेंड्स, या फिर अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया है 149 डिग्री सेल्सियस है सो इट इज़ कैप्ड फॉर 0.5 सेकेंड्स, फॉलो बाय रैपिड कूलिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस और बिलो. तो UHT के बाद हमको क्या करना होता है, एकदम से रैपिड कूलिंग करनी होगी 10 डिग्री सेल्सियस या फिर बिलो टेम्परेचर पे. सो दीज आर द वेरियस पास्चराइजेशन मेथड एंड दिस मच इज कम्प्लीटेड इन दिस वीडियो. द नेक्स्ट पार्ट विल कम सून. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो टू. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.